आज बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? राशन। धरती के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर देवता, डी फॉर दवा, डी फॉर दुआ, सब कुछ डी, डी फॉर डिवाइन। आप सब लोग फोटो निकाल लो, मजाक करो भाई साहब। ये जो बच्चा देश का भविष्य है, भविष्य रो रहा है और पीएम की वजह से रो रहा है। पापा मम्मी, मम्मी ने बोला मुझे हंसने दो, ये तुम संभालो। बाप बेचारा कहां लेके जा रहा है, देश का भविष्य अंधकार होने के लिए। माँ ने कहा तुम्हारा है, तुम्हें संभालो। और पुराणों में वैद्य भी कहा जाता है ना। मेरा एक दोस्त है, उसका सरनेम भी वैद्य है और वो डॉक्टर है। मैंने कहा तू अपना डॉक्टर नाम का मीनिंग बताने के लिए डॉक्टर बना। तो एक दिन किसी मरीज ने उनको फोन किया और वो कहीं ओटी में बिजी था, कहीं कोई ओवर टाइम कर रहा था वो। मतलब ओटी में तो ओवर टाइम ही ना, मैंने किताब में जो पढ़ा कुमार विश्वास की, उसमें ओटी का मतलब ओवर टाइम था। आपके कुछ गलत तो नहीं, वो ओटी का होता। अच्छा, मरीज ने फोन किया डॉक्टर के बीच, तो डॉक्टर ने फोन से आवाज आई, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो वैद्य नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने मरीज को फोन किया, आपने जिस नंबर को डायल किया है वो अस्तित्व में नहीं है। तो सही ओटी में रहिए, वरना ओवर टाइम की वजह से किसी मरीज का टाइम ओवर हो जाएगा। तो डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि हम लोग आप फोन बोलेंगे, अजय नाम के आदमी ने बंगाली का नंबर दिया, वो ए लिस्ट में मिला ही नहीं, वो ओ में था। ओजे, तब मुझे पता था कि बंगाली में ओ दो बार आता है, ए में भी वही आता है, ओ में भी वो आता है। ऐसा मरीज बेचारा डॉक्टर के पास में गया बंगाली, उसको दम्मे का प्रॉब्लम था, दम्मे का। डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर था, ए डॉक्टर था, आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने झारखंड का था, यहीं इसी बीच बताओ ना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? हमको तोमा है। मैं भी इसी चौक का, डॉक्टर भी इसी चौक का। क्या है? तोमा। हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमको तोमा है। तो डॉक्टर ने इतना से पानी पीते हुए कहा, अगर तुझे तोमा है ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये तेरे बाप का प्रॉब्लम है। बाबा, ए डॉक्टर, आप समझा नहीं, सास का बीमारी, सास का बीमारी। डॉक्टर ने फिर एक उठ गया, अरे तेरा बाप जो है दो दो शादी करेगा, दो माँ है तो सास भी तो दो दो होगी, एक ही सास बहुत बड़ी बीमारी होती है, बोलो सास कितनी बड़ी बीमारी होती है। उड़ी कुमार डॉक्टर था, है दो माँ का इलाज बताओ, दो बाप कर ले, क्योंकि साइंस में तो मेडिकल में तो उसका कुछ इलाज है। करोगे? डॉक्टर का हाँ, क्या है आपको? गैस। एक मिनट, तेरे को हेडेक तो नहीं? गैस। गले का प्रॉब्लम तो नहीं? गैस। छाती में तकलीफ नहीं? गैस। बाद में बदला गैस थी उसको, शब्दों की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है ना। उनको बोला था डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, खुद कर रहे थे अपना इलाज। एनीवेज, तो डॉक्टर के साथ में रहकर बहुत सारी बातें, एक मैंने बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम डॉक्टर से पूछ लिया कि डॉक्टर साहब ये बताइए, नर्स और सिस्टर, ये दोनों इंग्लिश के शब्द हैं, नर्स एंड सिस्टर, सर इंग्लिश के शब्द हैं। मैंने कहा फिर आप कैसे उनको बुलाते हैं? बोले अगर खूबसूरत नर्स, खूबसूरत है तो नर्स,
सिस्टर वो डॉक्टर यहाँ का नहीं था, वो कहीं और का था, वो पाकिस्तान का डॉक्टर था, थोड़े बेसिल करते थे। हमारे यहाँ पर बहुत सारी बेटियां आई है, झारखंड की बेटी को प्रणाम करता हूँ, मेडिकल के नाम पे इतना नाम रोशन किया है। लड़कियों को तो मेडिकल डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, वैसे भी देखिए तबियत ठीक हो जाती है। सिनारियों में भी नारियों हैं, आप खूब सब चीजें देखो तो उनको देख के तकलीफ ठीक हो जाती है आपकी। यहां बेटियां हैं डॉक्टर, लेकिन केरला में बेटी पैदा नहीं होती, वहां सिस्टर पैदा होती है। दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर कहीं का भी हो, सिस्टर केरला की होगी। हाँ, ये मैंने देखा। मेरा एक दोस्त कह रहा था, यार यूपी में काबा, यूपी में काबा, इतना टीस पहुंचा कि नोटिस घर पहुंच गई। उसको बोला था कि नोटिस, उसने टीस के तो नोटिस पहुंच गई। अब लोगों को मैं समझा रहा हूं एज ए कलाकार कि भैया वो कहना चाहती है कि यूपी में काशी भी है और काबा भी है, वो कहना चाह रही है यूपी में काबा। लेकिन लोग बोले नहीं नहीं वो लड़की पैदा हुई है बिहार में और बहू बनी है यूपी की, अब महिलाएं मेरा समर्थन करें और किसी भी महिला को अपने ससुराल में पूर्णता नहीं दिखती। वो पूछ रही यूपी में काबा, क्योंकि यूपी ससुराल है ना। अब अडानी दिन ब दिन रेल से नीचे गिरते जा रहे, नंबर वन पे था, नंबर टू पे, नंबर पता नहीं अभी कौन से नंबर पे पहुंच गए, अभी लेटेस्ट में कौन सा नंबर पे हो। गरीब आदमी घबरा, पता नहीं कब मेरे पड़ोस में के रहने लगे। अडानी का नाम भी जब आप कोविड में सेवा कर रहे थे वो आदमी काम कर रहा था, एक भी आदमी को दान नहीं दिया उसने, लोगों ने कहा तू दान नहीं दे रहा, आज से तू अडानी। तभी से उनका नाम हुआ है, पहले गौतम था। इज्जत उनको इज्जत लॉकडाउन में मिली, अब लोगों को एजी कह रहे हैं, एजी अडानी ग्रुप, अब उनको सम्मान मिल रहा है। कैंपेन ऐसा किया कि इलेक्शन उनका ही उनका प्रचार ही उनको हरा गया, सब जगह की जाके कह रहे हैं ए माई हम इलेक्शन में खड़े हैं भाई, ए माई हमका वोटवा देना भाई, ए माई ए माई। तो बुजुर्ग महिला ने कहा कौन हो बेटवा, हमको नहीं पहचानी है माई, हम तो हर शत्रु बिहार का शत्रु, आप देश का शत्रु। शत्रु बोला तो मित्रु जी की मित्रु अलग अलग बात। अब जैसे मोदी जी अगर आज यहां आते, आपने जैसे मुझे सम्मान दिया, मोदी जी आपको धन्यवाद करने के लिए आते, डॉक्टरों का धन्यवाद करने के लिए आते, तो कैसे अपनी प्यारी प्यारी बातों से आपको शुभकामना देते। कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज में शुभकामना देने की कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप ही मेरे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो, क्योंकि झारखंड गुरु जी का ही प्रांत है। ठीक है मित्र। अच्छा मोदी जी जब भी बात करते लगता कहीं जा रहे हैं हवाई जहाज में बैठ के, उनका पर्सनल हवाई जहाज अपना मुंह ही उनका चत रहता है। प्रणाम सर, मुझे लगा कि राष्ट्रपति साहब बैठे हैं, कोविंद साहब काफी शक्ल मिलती है, लेकिन यहाँ के मान लिये ग्रेटर जो मेरे प्रोग्राम में उठ के जाता है उनके सपने में मायावती आती है, क्योंकि वो मेरी बहन है, बहन जी फिर भी जा रहे हैं, भोजन समाज पार्टी के लिए जा रहे हो ना, तो गलती हो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं, मेरा कोई मैं किसी पार्टी का कोई नहीं, मैं किसी पार्टी का नहीं, अपने घर की पार्टी का नहीं। मेरी पत्नी को इलेक्शन दिखाया रांझना, पत्नी खुशी खुशी घर पर कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे जो बोल बर्तन सारे मांझना। ये हाल है मेरे घर में, भाभी भी ऐसी शायद मेरे कैसे आपके घर पे नहीं होगा, होता है। मोदी जी मित्र, मेरे प्यारे डॉक्टर मित्र, आज मैं रांची में प्रभात खबर के लिए शाम को आने वाला था, आपके साथ समय बिताने वाला, परंतु एक काम आ गया,
मत रहो, अगले साल आऊंगा वाया मेट्रो और आप सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा और मंजीत जी पार्टी दूंगा, थ्रो नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि कुछ लोग थ्रो का मतलब फेंकना समझते हैं, पार्टी दूंगा और लखा नहीं दूंगा। कई लोग ये कहते हैं मोदी जी आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। मित्रों अगर कुछ लोगों को लगता है जैसे देवी को लगता है कि मैं महंगाई बढ़ा रहा हूं तो पर्स में क्या है, ये नए शॉल कहां से ले रही है, ये चाय का ढक्कन क्यों ले रही है, जरूरी है कांग्रेस की होगी, सब कुछ लेकर विदेश जा रही है दीदी, हाँ दीदी जा रही हूं दीदी, ये दीदी नहीं ये मेरी बहन है। मित्रों आप सबको लगता होगा कि मैंने महंगाई बढ़ाई, हमारे हिसाब से मैं कहना चाहूंगा क्या पिता का नाम आगे बढ़ाना पुत्र का कर्तव्य है ना, है कि नहीं, खुल के बोलो है कि नहीं, पिता का नाम आगे, आप खुद जाएंगे कि पिता का नाम आगे बढ़े, मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज का दाम और दर आगे बढ़ रहा है, आपको क्या टेंशन है जी? मित्रों अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा छोटा समर्थन है, डॉक्टर साहब मान्यवर जी और डॉक्टर मिसेस मान्यवडू जी, आपके साथ यही कहना चाहूंगा कि आप सहनशाह है, बादशाह है, अब आप अमित शाह भी बन सकते हैं क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे हैं, मैं गृह मंत्री हूं, मैं चाहता हूं आप कहते एवरीबॉडी नोज अबाउट हिज नोज, पता नहीं क्या कहते नाक से, मतलब पहला सिग्नेचर ट्रैक में ट्रेन ही बन गया था, उनके साथ एक पगली भी गाती है पगली कहां से कैसे गा दे, अजहर साहब जब बहुत मोटे थे तो गाना ऐसे गाते थे जैसे नींद में गा दे,
अचानक दुबले हो गया आगे, अचानक पता नहीं किस डॉक्टर ने उसका इलाज किया, बहुत चर्बी हुई थी, खत्म कर दिया। अब आके अच्छा वजन कम हुआ तो फिर करियर में भी वजन कम हो गया। अब गाना गा रहे बड़े झूले आका जी, आका ने कहा इधर तेरी झूली मैंने भरी थी तो पूरी खाली करा के। ये सिंगर होते हैं, इनकी आवाज से इनकी पर्सनैलिटी मैच होती है। नाम कैलाश के, कैलाश खुद ही तुम्हें वैसे तो खोदा पहाड़ निकला कैलाश के। एक से पकड़े आप हम देखिए बहुत बड़ा गीतकार, बहुत बड़ा गीतकार, सुनने की बात है प्लीज सुनिएगा, बहुत बड़ा गीतकार समस्त ब्रह्मांड और जितने शादीशुदा उनको गॉड ब्लेस यू। एक बहुत बड़ा गीतकार समस्त ब्रह्मांड की तारीफ करते हुए गाना लिख रहा था, पत्नी ने कमरे में आके कैसे डरा के वो गाना अपनी तरफ कर लिया। सुनिए वो लिख रहा है, बड़े अच्छे लगते ये धरती ये नदिया ये रैना और तुम एक बार तो मैं ये देश का भविष्य, मैं भूत और ये वर्तमान। एनीवेज बच्चों को दे लो वरना मैं दे लूंगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हाँ अरे बड़ी प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत प्यारी बच्ची। एक बार शादी का एल्बम मिल गया मुझे, अब आप गौर से सुनिएगा। एल्बम देखते मेरे को कौन सा गाना याद आ रहा है, सारे दोस्तों यारों ने शादी करवाई थी, रिश्तेदार डांस कर रहे थे, मैंने एल्बम खोला तो क्या बम फूटा, दोस्त डांस कर रहे, पत्नी का फूटते गाना बज रहा है, दुश्मन न करे दोस्त काम किया है, बीवी का सोलो फूट रहा, उम्र भर का तुम हमें इनाम दिया है, रिश्तेदार डांस कर रहे अपने ही गिराते नशे मन के बिजलियां, सुंदर लड़की ने फोटो में गले लगाया था मुझे, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है, फिर भी का बड़ा फोटो। एक गायक गा रही है, आसमां गा रहा है साथ मेरे, ये सारा जहां गा रहा है, जमी गा रही आसमा गा रहा साथ मेरे सारा जहां गा रहा है, तो ये सुन कौन रहा है, सब गा रहे हैं, एक भी आदमी तो सुंदर नहीं है, यही देश की आदत है, कोई सुना नहीं जाता। सोशल मीडिया खोलो सब मोटिवेशन स्पीकर बने हुए, सबको कुछ ज्ञान देना है, लेना कुछ नहीं। जिनके सहारे थी
वो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। लड़की खुश, कैसे मेरे सामने बैठे से मौत कैसे टल जाएगी? तो ये समझदार आदमी कहते हैं, जैसे ही मौत आएगी मैं कहूंगा लेडीज फर्स्ट, मौत और तुम दोनों टल जाएगी। इनके पास ऐसे ऐसे आइडिया है। एक मेहमान के घर पे आया था एक साल रहने के लिए, एक ही दिन में टल दिया। कैसे? बोले उसको मैंने 2000 का नोट दिया, 2000 का गुलाबी नोट दिया और बोला भाई काम को इसको छुट्टा करा के ले आ, ना नोट आया ना बंदा है, कहां से लाएगा छुट्टा 2000 नोट। हमारे घर पे मेहमान आते हैं, किसी से बोलते भाई एक काम कीजिए ना, घर पे किसी दिन आइए और सात्विक भोजन करके जाइए। गलत है, वो 7 हफ्ते रखे गए। पंडित जी 7 आप सब डॉक्टर हो काशी और मथुरा, और दुनिया की जितनी बीमारी है वो है मथुरा। मैं गया, मैंने कहा भाभी जी, उनकी पत्नी से पूछा भाभी जी भैया कहाँ है? तो वो भोजपुरी भाषा में कहती है, ए भैया ये जो लंबी कतार है इसी में फंसा हमारा बता रहे। अपनी भाषा में शुरू हुई भोजपुरी भाषा कितनी अच्छी, जैसे हमारा मनोज तिवारी है, बड़े फ्रेश लग रहे, कहां से आ रहे हो? सपा से। आप तो बीजेपी वाले, सपा से कुछ बात चल रही है? बाड़ी मसाज कहाँ होता है? स्पा में। वहीं से आ रहे भैया। भैया बीजेपी में लेकर तो बहुत काम करना है भैया, देश को बहुत ऊपर लेके जाना है। वो तो छोड़ो भोजपुरी सिनेमा के लिए क्या कर रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ भैया, डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में ला रहा हूँ भैया। डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी बुलाएंगे, उसका नाम क्या होगा? भोजपुरी। भैया गजनी फिल्म की भोजपुरी रीमेक बना रहे हैं, मलिक का शेरावत को भोजपुरी फिल्म में ला रहा हूँ। अब चारों हीरो रहेंगे खिसारी, पवन सिंह राय और रवि भैया। फिल्म का नाम भाग मल्लिक का सिर आवत है। ये भैया बहुत आगे लेके जाओगे भैया। फिर बाबू जिंदगी झटबा तबाऊ का मटबा। मतलब वो बिहार है कि झारखंड बा? मुझे मनोज तिवारी भैया ने कहा कि मैं अद्भुत हूँ। हे भैया भोजपुरी में उसने तुझे आधा भूत कहा है। कोई किसी की तारीफ सुनना नहीं चाहता, तो आइए बोलने की छोटी छोटी बातें पेश कर रहा हूँ आपके सामने। वही बात करूंगा माधुरी दीक्षित जो हमारी सबकी बहुत फेमस एक्ट्रेस है और थक थक गर्ल है, और थक थक दिल से होता है इसलिए हार्ट स्पेशलिस्ट से शादी कर ली उन्होंने, श्रीराम ने है ना, श्रीराम ने, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट या तो माधुरी दीक्षित का फैन होता है या तो श्रीराम के भरोसे होता है। ठीक, कुछ लोग मेरे पंच को अगर समझ रहे हैं तो उनको मैं मेरा अवार्ड आज दे दूंगा आपको। ठीक है, सबका इलाज करती है, हमारा भी यही किया। और समीर पाल के बात पे हंसी आ गया, कहे कि हमको चेला है, कॉमेडी हमें सिखा है, और हमको कौन सिखा है? राहुल जी। अरे राहुल द्रविड़ का बात कर रहा भाई, आपका बात हम सब एक नौजवान को जगह भीख मांग रहे हैं, नौजवान को जगह भीख मांग, इससे मांगू वहां तो सब मांग रहे हैं। वेंटिलेटर पे आ गया देश पूरा। अरे अपने प्रधानमंत्री से मांग, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं प्रधानमंत्री ही हूं। बदल क्या है भुखमरान, मैं हूं इमरान। प्लास्टिक सर्जरी करके घूम रहा हूं, प्लास्टिक सर्जरी पे गाना आज से 50 साल पहले आज को पता आपको? अब आप रिकलर कीजिए, आप गाना कई बार सुन चुके हो, प्लास्टिक सर्जरी का नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है कर याद रहे। प्लास्टिक सर्जरी की तारीफ की गई है ना,
मैं तो यहाँ पे लड़कियां छेड़ रहा हूँ लेकिन यूपी में लड़की नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यूपी की जो मुख्यमंत्री है वो लड़की छेड़ने वाले को भगवा भगवा के मारते हैं। कैसे मारते हैं? फिर भी यूपी के लौंडे लड़की को देख के रंग दे आशिक शुरू। लड़की देखी मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। फिर मुख्यमंत्री आ जाते परेशान जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे सीएम हाय तेरे नियम उस पे खतरनाक है अपना पीएम। एंटी रमेश कोड वाले बहुत मार के इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। अब हॉस्पिटल में एडमिट है, पत्रकार चले गए प्रभात खबर वाले, हाँ जी बताइए कैसा लग रहा है आपको, क्या हुआ पूरा किस्सा बताइए। अब वो सलाइन में सब लगी हुई फिर भी गाकर जवाब दे रहे हैं, राम से मुकालात हो गई आगे जिससे डर से वही बात। अब कैसा लग रहा है? इन्हीं को बेटा जो एक्सप्रेशन गलत दे रहे हैं, ये एक्सप्रेशन जो कपिल को दे दिए हमें, आपको सब अपना धंधा बदल देगा। नसरुद्दीन शाह स्टाइल देखिए, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठा कर लाना गुना है, 10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है, पाप है। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है, और ये काम मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। फिर अपने बंदूक उठाई, मजाक था भाई मजाक। अब इनके पीछे पहुंच गए जॉनी लीवर साहब, वीरप्पन छप्पन, अबे इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हुए तू, इतनी गंदी शक्ल लेके पैदा तुझे पैदा किसने किया? वित्त मंत्री साहब ने, अभी ऐसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल तो है। अब इनके पीछे पहुंच गए पंकज त्रिपाठी, बहुत बढ़िया बाबू जी ने कहा है महिलाओं का सम्मान करो, चलो लड़की को छोड़ दो, बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, अब लगता है हमको कन्यादान करना पड़ेगा। अब इनके पीछे बढ़कर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, माशी द मोटर मैन, बहुत जोर है तारा मैन, बहुत ताकत है तारा मैन, माँ का बाप का भाई का सब तक कसम खा के नवाजुद्दीन माधुरी को छुड़ाएगा आज के दिन। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, हमें कभी लगता है भगवान आप पीछे। अब इनके पीछे पहुंच गए इरफान खान, क्या भैया बेटा को बैठा दे बेटा, वे लड़की को छोड़ दो बे, चाहती क्या बे, चलो 1 2 3 बजे 1 2 3। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, देखे बे हम तो खुद डाकू बनने आए, सदे भी डाकू डालू, अबे जंगल में रोशनी आ जाएगी बे, सिसका लगी सिसका, सदे तो मुझे किसका लगे। अब इनके पीछे पहुंच गए बड़े ही जबरदस्त औलाद रापन डाउन की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, और अगर कुत्तों ने खाए तो खुद खा लूंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर अपने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है। अब इनके पीछे मौजूद डिस्को डांसर डीआईडी ग्रैंड मास्टर बिट्टू चोटी साहब, आई 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 आई
अबे बेदा बड़ा ना है, अबे जोड़ छोड़ा ही ना है, अबे एक ठक्को बड़ा, बार बार घने लाश पड़े शोषणी। मेरे पन्ने का मैं केरला से हूँ, कर्नाटक से हूँ, मलयालम भाषा में बात करो, कन्नड़ा भाषा में बात करो। तो एक महिला अच्छा मेकअप वेकअप करके बाहर निकली, उसको याद आया मेरे तो मास्क पहना ही नहीं, लेकिन घर से दूर जा चुकी थी। दुकानदार से कहती है, दुकानदार मेरे कपड़ों से मैचिंग, मुझे मास्क दिखाना, कोरोना चल रहा है, सब चल रहा है। वो गए भाड़ में पहले कपड़ों से मैचिंग, मास्क दिखाना। दुकानदार भी हार बैठ गया था, ये लीजिए बहन जी कपड़ों से मैचिंग आपका मास्क तैयार है। लेकिन भैया अगर इसको पहनने से भी मुझे कोरोना हो गया तो? चार दिन का दुकानदार, डोंट वरी बहन जी, इसे लगाने के बाद अगर आपको कोरोना हो गया तो आपके कपड़ों से मैचिंग हमारे पास कफन भी है। अभी भी कुछ लोग मास्क लगा के घूम रहे मंजीत जी, हालांकि अब तो वही लोग लगा रहे हैं, सच में मुंह दिखाने लायक नहीं। मैंने कहा लॉकडाउन में जो ब्यूटी पार्लर बंद है इसकी वजह से? नहीं नहीं भैया, मैं तो नेचुरल ब्यूटी प्रोटोकॉल की वजह से, तो मेरे मुंह से धुआं निकल गया। बड़ी बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले वो, गलती से मास्क जो खुल गया तो खुल जाएगी पोल, महिला बन जाओगी महिला जयवर्धनी। आप ब्यूटी पार्लर में जाइए, ब्यूटी पार्लर में तो पहली बात हिंदी में क्या कहते हैं, एको का तुमको मालूम है क्यों होगा, तुम किधर से पागल लगता है, जल्दी से फुट पड़ो, ये तुम है बंगाली, ये तो तुमको दिखाई बंगाली। मैंने कहा ना दीदी से मेरा सर्वे बंगाली है, तुमको शायद बंगाली से साफ बंगाली थे मतलब फुट पड़ो ना सारे पांव तो तुमको देखा है, मालूम है तुम साउथ का लगता है, साउथ का। मैंने शुक्रिया दीदी आपने भारतीय समझा, साउथ अफ्रीका का सीधा कहीं कहीं और, हमारे से बंगाली छोटी छोटी बात होती है, लेकिन एक बंगाली भाई से उनके लिए हालचाल पूछा, दादा कैसे आप, मोजे में माँ, मोजे में बाप, मोजे में तुम कोई शायद, मैं जूते में। उल्टी बात मत करो, उल्टी सिर्फ मैं कर सकता हूँ, बड़ो ड्राइवर तुम बड़े लोग या फर्जबाज करोगे, हमारी भी इज्जत है। अरे इज्जत की बात नहीं कर रहा, बड़े छोटे की बात नहीं, कानून की बात कर रहा हूं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना गुड, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मेरा इंग्लिश कच्चा है समझ, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी देसी पीता हूँ, क्योंकि जिस भी स्कूल में मैं इंग्लिश सीखने गया देश में कहीं भी मैं नहीं सीख पाया, क्योंकि मुझे हर इंग्लिश सीखनी थी, हर जगह पे एक ही बोर्ड में था इंग्लिश मीडियम। इसलिए मैं केबीसी में भी नहीं गया, क्योंकि वो सामान्य ज्ञान का प्रभाव और अपना ज्ञान सामान्य। अरे भाई फिर भी पीना जो है अच्छी बात नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीऊं, ड्राइविंग के क्षेत्र में पीने की जितने चांसेस है, जितनी उपलब्धि, जितनी प्रेरणा है सर, उतनी किसी और प्रोफेशन में है ही नहीं। कैसे, सुनो, जैसे मैं ड्राइविंग के लिए कार में बैठता हूं सामने मुझे परमिट दिखता है, परमिट मुझे क्या परमिट करता है, पी हो, उसके बाद में मुझे आरसी दिखती है। आज